नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत टिटोरा की मनोहर धाम कॉलोनी में मंदिर की स्थापना की गई। प्रतिमाओं की स्थापना से पहले कलश यात्रा निकाली गई। आचार्य नेमी चंद्र शास्त्री, आचार्य मनोज शास्त्री, आचार्य दिनेश शास्त्री, आचार्य राम मनोहर शास्त्री, आचार्य राम मोहन शास्त्री, आचार्य अशोक शास्त्री ने मनोहर धाम मंदिर की स्थापना वैदिक मंत्रों के साथ पूर्ण कराई। मंदिर में राम दरबार, कृष्ण दरबार, महादेव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। इस मौके पर देखिए किस प्रकार कॉलोनी वासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कलश यात्रा निकाली है, जिसमें आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार महिलाएं सिर पर कलश रखते हुए और देखिए किस प्रकार बैंड बाजे की धुन पर महिलाएं भजनों पर थरकते हुए नजर आ रही हैं। इस मौके पर पूरी कॉलोनी वासियों का संपूर्ण सहयोग रहा है, साथ ही साथ मनोधाम कॉलोनी के साथ साथ आसपास की कॉलोनियों में भी कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर प्रमुख रूप से शामिल रहे विनोद गोयल, अरुण गोयल, नरेश चंद गोयल, हार्दिक गोयल, राजेश रावत, सुनील पांडे, मुरारी लाल दुबे, रवि चाहर, नरेंद्र कुमार, महेश चंद सहित आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में भक्तगण देखिए किस प्रकार कलश यात्रा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं बग्गी पर विराजमान होकर देखिए किस प्रकार प्रभु की यात्रा निकाली यात्रा है और जिसमें सभी लोग देखिए भक्तगण किस प्रकार प्रतिमाओं को पकड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको मनोहर धाम कॉलोनी से। ये देखिए किस प्रकार बग्गी पर सवार, देखिए यहाँ आप देख रहे हो किस प्रकार राम परिवार, माँ लक्ष्मी माता, भोले बाबा, हर प्रकार की देखिए सभी देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ रखी गई हैं। तो साथ ही साथ ये देखिए सभी माताओं को यहाँ पूजा अर्चना की है और 3 दिवसीय कार्यक्रम चला है और 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ सभी लोग पधारे हैं। तो जानते हैं यहाँ के भक्तगणों से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। यहाँ मनोहर धाम में मंदिर स्थापना भगवान जी की हो रही है। मेरा नाम MD शर्मा है, मैं मनोहर धाम कॉलोनी इटोरा से बोल रहा हूँ। इस मनोहर धाम कॉलोनी का मैं सोसाइटी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आज हमारे यहाँ श्री मनोहर धाम कॉलोनी में मंदिर प्रांगण के अंदर भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री रामचंद्र, भगवान सीता माता, लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, गणपति भगवान, भोले बाबा, शिव परिवार पूरा, दुर्गा माता, शनि देव जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसके लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। विद्वान आचार्यों द्वारा विगत तीन दिन से कार्यक्रम चल रहा है, मंत्रोच्चारण चल रहा है। आज कलश यात्रा के साथ भगवान की शोभा यात्रा चल रही है, जिसमें हम लोग सभी उपस्थित रहकर कार्यक्रम में। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मैं मनोज शास्त्री धौलपुर से, और यहाँ पर जो मनोहर धाम कॉलोनी में प्रतिष्ठा चल रही है उसमें राम दरबार की प्रतिष्ठा है, हनुमान जी की प्रतिष्ठा है और गणेश जी की प्रतिष्ठा है, माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा है और राधा कृष्ण जी की प्रतिष्ठा है, शनि देव जी की प्रतिष्ठा है और भोले बाबा की प्रतिष्ठा है, शंकर भगवान की प्रतिष्ठा है। इस पर पूरे परिवार की इसमें प्रतिष्ठा है शंकर भगवान की, और इस प्रतिष्ठा में जो भी भाग ले रहे हैं इस प्रतिष्ठा में एक कोई किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, ये तो पूरी कॉलोनी की प्रतिष्ठा है। पूरी कॉलोनी मिलकर कार्य करा रही है और ये कार्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार के कार्यक्रम कराने से, अगर प्राण प्रतिष्ठा कराने से मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस कार्य की प्रतिष्ठा ऐसे कार्यों को कराने से हमारे परिवार में, हमारे जो भी कॉलोनी है उसमें सुख समृद्धि रहती है, हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की ध्वजा लहराती है। देखा जा रहा है अधिकांश युवा पीढ़ी आजकल पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रही है, तो ऐसे में इस प्रकार की स्थापना किस प्रकार कहां तक सहायक? हाँ, युवा पीढ़ी जो पश्चिमी संस्कृति के लिए हो रही है उसके लिए हम ऐसे धर्मानुष्ठान कराएंगे तो वो हमारी नवयुग पीढ़ी जो है वो ऐसे धर्मानुष्ठान देखेगी तो इधर की ओर मुड़ेगी, ऐसे धर्मानुष्ठान नहीं देखेगी तो वो उधर की ओर मुड़ती जाएगी। इसलिए ऐसे धर्मानुष्ठानों से हमारी नवयुग पीढ़ियों को
थोड़े रास्ता अच्छा मिलेगा। मैं पंडित दिनेश चंद्र शास्त्री यहाँ श्री मनोहर धाम कॉलोनी में नवीन मूर्ति नाम प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम शुभारंभ चल रहा है, ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें राधा कृष्ण भगवान, राम दरबार, शंकर भगवान आस्था का विषय है। युवा वर्गों को भी इसमें प्रोत्साहन मिलता है, श्रद्धा मिलती है, भक्ति मिलती है, क्योंकि जन्मांतरेण भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म और जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तो ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है जो कि यहाँ की मनोरथ धाम कॉलोनी वासियों को प्राप्त हो रहा है। ये शुभ अवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है जो कि यहाँ के मनुष्यों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा था, हे प्रभु आप कहाँ विराजमान होते हैं? तो उन्होंने कहा, नाहम वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने जवाब दिया उनको कि हे नारद, ना तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ और ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। जो मेरे भक्त भोले भक्त मुझे श्रद्धा से भक्ति से बुलाते मैं वहीं वास करता हूँ। तो आज ऐसा ही माहौल बना हुआ है श्री मनोहर धाम कॉलोनी में। समस्त ग्रामवासियों ने, सवर नगरवासियों ने यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त कराया है, इससे आगामी पीढ़ी को भी एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है। और ये शुभ अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है जो कि यहाँ पर सभी मूर्तियों का और यहाँ पर जो हमारी वेदियाँ बैठी रची हुई है, सभी वेदियों का भी पूजन षोड़श विधि के माध्यम से चल रहा है, जिसमें कि हमारे क्षेत्रपाल देवता भी हैं, षोड़श मातृका देवी भी हैं। तो ये हमारी श्रद्धा और भक्ति का विषय होता है, क्योंकि प्रत्येक देवता यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं जब हम उनका आह्वान करते हैं। एक राजा ने पंडित जी से पूछा था कि पंडित जी, ये आपने वेदियों को रच रखा है, इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वेदियों पर देवताओं की रचना की जा रही है। तो उन्होंने कहा, देवताओं को साक्षात क्यों नहीं बुलाते हैं? तो पंडित जी ने कहा, राजन आपके पास इतनी सामग्री नहीं है कि वेदियों जो देवताओं को साक्षात बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ। तो ऐसा जब कहा कि मैं राजा हूँ, तो पंडित जी ने वहाँ पर जो भगवान के वाहन का आह्वान किया गरुड़ का, तो रचना की, तो उनकी जो कोष में सामग्री रखी थी वो सामग्री उसी में रचना में करने में आधी समाप्त हो गई। तो राजा हाथ जोड़ करके भक्ति उसके हृदय में उमड़ आई, उसका जो घमंड था वो दूर हो गया और हाथ जोड़ करके विनय के साथ में कहने लगा, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, आप तो श्रद्धा और भक्ति से मैं आपकी पूजा समर्पित करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा के मनोहर धाम कॉलोनी में, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ मंदिर पर सभी भगवानों की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, यहाँ भगवानों की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। और मनोहर धाम कॉलोनी के सभी के सहयोग से देखिए, यह मंदिर का क्योंकि जिस प्रकार निर्माण कराया गया है उसी प्रकार यहाँ के आचार्यों ने बताया है कि धर्म को देखिए युवा पीढ़ी से किस प्रकार रूबरू कराने के लिए यहाँ धर्म के देखिए किस प्रकार यहाँ सभी भगवानों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा सभी के सहयोग से की जा रही है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।